सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए हर एक गरीब वर्ग को निशुल्क इलाज मुहैया कराने का दावा करती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की क्या हकीकत है, देखिए इस खबर में कि किस कदर गरीबों को अस्पताल द्वारा इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। दादा क्या हो गया आपको, किस बात का इलाज करा रहे हैं आप? मेरे को घोड़ा मारा जी, उठा के पटक दिया तो मेरे यहाँ की जांघ की हड्डी टूट गई। तब मैं आया यहाँ कटनी, तो विकास गुप्ता के यहाँ भर्ती हुआ, तो ऑपरेशन हुआ। कितना पैसा लगा आपका उस दिन? हमारा 40,000 रुपया लगा। 40,000 रुपये? 40,000 रुपया लग गया। हाँ, सब मिला के। अच्छा, तो आपके पास वो भी था ना, आयुष्मान कार्ड भी? आयुष्मान कार्ड था। हाँ। उनको दिखाया। हाँ। वो नहीं लिए। हाँ। क्या बोले? फिर ले लेंगे, फिर ले लेंगे। हाँ। और लिए नहीं। अच्छा। फिर दोबारा में जब आए तो कार्ड आयुष्मान कार्ड दिखाए तो उनने अपने मोबाइल में उतारा जी, और हमारा कार्ड हमको वापस कर दिया। वापस कर दिया। हाँ। और पैसा कितना ले लिया आपसे उस दिन? कम से कम 40-20 हजार। अभी तक का कुल 80,000। 80,000 दे चुके आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी? हाँ। तो कहाँ से आते हैं आप, कहाँ से इलाज करवाने आए हैं कटनी? बिचुआ गांव निवार स्टेशन से आगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजाली है। क्या काम करते हैं आप? खेती का थोड़ा बहुत, ऐसे मजूरी धंधा, सब्जी अब्जी का थोड़ा बहुत। कितने दिन से इलाज चल रहा है आपका? मेरा ये कितना होगा, कितना? 9 तारीख से भर्ती हुई। डेढ़ महीना हो गई कम ना कम। कुल 85,000-85,000 दे चुके आप? हाँ। आयुष्मान कार्ड भी दे दिया उन्हें? हाँ, वापस कर दिए। और अब हम अब क्या बताएं? अब इस कार्ड का आपको लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। पैसा लग गया आपका? 80,000? हाँ, लग गया। तो जो पैसा दिया उसका बिल या रसीद मिली आपको? नहीं मिली। नहीं दिया? नहीं दिया। तो काहे का ऑपरेशन हुआ है इनका? क्या बताएं कि काहे का हुआ है? कमर का, जांघ का। क्या नाम है आपका? मोर सुकरानिया। आप पति का नाम क्या है? फदाली। कहाँ से आए हैं आप? बिचुआ। कटनी से? कटनी नहीं, बार बिचुआ। कितनी उम्र है इनकी? 80। क्या काम करते पैसे से आप लोग? हम कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही धंधा करते थे, बिक्री सब्जी अब्जी का, मजदूरी। अब हमारे पास लड़का भी नहीं है, बच्चा भी नहीं कि कोई हमको दे खाने को। अच्छा, कोई संतान नहीं है आपके? संतान है, लेकिन इधर से टांग कट गई है। विकलांग लड़का? विकलांग है। ये जो आपने पैसे का इंतजाम किया, कैसे इंतजाम किया? हम जायगा बेको जगह बेची आपने, उसके बाद इलाज कराया? हाँ, जायगा बेच के। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसके मैं विस्तृत जांच करा रहा हूँ, और जो भी तथ्य निकल के आएंगे तो बराबर उसमें कार्रवाई करूंगा। आवेदक ने, शिकायतकर्ता ने कलेक्ट्रेट में शिकायत किया, उसे पैसे दिए जाएं जो पैसे उसको लिए गए हैं, जो कि शासन को योजना का लाभ भी उसे नहीं मिल रहा। तो ऐसी योजना सरकार की गरीबों के लिए है कि इस तरह प्रताड़ित करना, क्या मामला? नहीं, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा अगर लिया है, जब प्रूफ होता है तो बिल्कुल बराबर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि उसको कहना है वृद्ध का, पीड़ित का, कि हमें डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, पैसे की मांग की है, तो क्या इस तरह का भी किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी संबंधित के ऊपर? बिल्कुल बराबर मैं जांच करा रहा हूँ, जो भी तथ्य निकल कर आएंगे अकॉर्डिंग कार्रवाई करूंगा। बुजुर्ग दंपति की कोई संतान नहीं है, उन्होंने पैसे की मांग की है, क्या उनको पैसा मिलेगा वापस? बिल्कुल, मैं जो तथ्य निकल के आएंगे बराबर कार्रवाई करूंगा।